हम पहुंचे हैं इंदिरापुरम के टर्बन पंजाब में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ का बेहद फेमस ईटिंग जॉइंट है, जहाँ पर अलग अलग तरह के सभी वैरायटीज़ के हर तरह के रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको वेज के शौकीन हैं, नॉन वेज के शौकीन हैं, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद यहाँ पर कितना असर पड़ा? पड़ा तो है, लेकिन अब 40वें दिन कितना कुछ बदला है, हालात में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, आइए यहाँ इनके मैनेजर हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि नोटबंदी के बाद बिजनेस डाउन हुआ था? जी हाँ, शुरू में तो बहुत फर्क पड़ा था। अच्छा, आज 40वां दिन है नोटबंदी के बाद का, कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? थोड़ी सेल उठती हुई दिख रही है? हाँ जी, अब तो काफ़ी बहुत फर्क आ गया, सेल भी काफ़ी रिकवरी हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, कैश अमाउंट की भी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, नॉर्मली आपकी वीकेंड्स पर कितनी सेल हो जाती है और अब कितना डाउन चल रहा है? देखिए, ऑलमोस्ट 20-30% डाउन तो चल रहा है अभी भी, क्योंकि हमें ज़्यादा कैश की प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे स्टाफ जो छोटा होता है उसको सब कैश पेमेंट करनी होती है, इस टाइम सब कार्ड स्वैपिंग हो रही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको हम कैसे पेमेंट दे पाएंगे, कैसे उनकी सैलरी दे पाएंगे। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही है। बिल्कुल, जो ये सब काम कर रहे हैं, शेफ है, कुक जो पीछे लगे हुए हैं, उनको सैलरीज वगैरह की दिक्कत आ रही, तो वो सब कैसे मैनेज हो रहा है, या स्टाफ भी छोड़कर जा रहा है, इस तरह की परेशानी? स्टाफ तो नहीं छोड़े जा रहा, स्टाफ तो मैनेज करेंगे, कुछ को दे दिया, कुछ को भी देंगे धीरे धीरे, जैसे हम 10 से पहले सबको सैलरी दे देते, लेकिन अभी तक हम सैलरी पूरी नहीं दे पाए पूरे स्टाफ को, या थोड़ा तो जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे हम उनको सैलरी दे रहे हैं। मेन तो आज कास्ट ट्रैपिंग हो रही है, और बैंक से पैसे 50,000 भी नहीं मिल रहे, 20 एक बार दिए, अभी और देंगे कब देंगे पता नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है हमें। हम पहुंचे हैं लखनवी कबाब के रेस्टोरेंट के बाहर, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे डीमोनेटाइजेशन के 40वें दिन कितना कुछ बदलाव हुआ है, पहले क्या हालात थे और अब हालात कितना बदले हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे अब किस तरह के हालात, ताज़ा स्टेटस क्या है, बिजनेस कैसा चल रहा है? पहले जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा असर था, काफ़ी लोग उससे परेशान थे, अब थोड़ा थोड़ा विजुअल हो गए लोग, कार्ड पे स्वाइपिंग पे जितनी और चीज़ें सब्सिट्यूट आई, पेटीएम वगैरह, वो सब अब शुरू हो गया, तो थोड़ा सा लोगों में आदत हो गई है, मतलब चलाने लगे, पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा असर हो गया था। अच्छा, अभी भी किसी तरह की दिक्कत आ रही है कि भाई पीछे लेबर को पेमेंट करनी है, उसको सैलरी देनी है, तनख्वाह देनी है, और बाजार से तमाम रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, तमाम रोजमर्रा की चीज़ें लानी है, किस तरह की दिक्कत? नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कैश अवेलेबल नहीं है, जो लिमिट बनाई गई है, करंट अकाउंट चलाना है तो 50,000 की लिमिट है, वो अभी विड्रॉल नहीं हो रही है, अगर वो होने लगेगी तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लोगों का मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट कार्ड से, पेटीएम से, जितना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वही है, सारा पेमेंट वही कर रहे हैं लोग, लेकिन परेशानी बस ये है कि जो थोड़ा कैश भी अवेलेबल वो है नहीं मार्केट में, तो जो लड़के जिनके अकाउंट है उनको तो सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, जिनके नहीं है थोड़ा बहुत तो उनको कैश देने के लिए भी अभी नहीं है कैश अवेलेबल, वो मिलने लगेगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, कैश आना शुरू हुआ है थोड़ा सा, पर बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा था, वो इफेक्ट तो धीरे धीरे खत्म होगा, अभी कस्टमर परेशान है, बिकॉज कुछ लोगों के पास पेटीएम होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है, तो पैसे कई बार ट्रांसफर नहीं हो पाते, कई बार इंटरनेट का इशू हो जाता है, तो उन इशू की वजह से बेचारे ऑर्डर नहीं कर पाते, या ऑर्डर करते हैं फिर कहते हैं भैया पेमेंट नहीं हो रही, वापस चले जाते, तो प्रॉब्लम तो है। तो अभी सेल में आप कितना 25-30% फॉल है, जो कि रिकवर हुआ है, पहले तो 50% फॉल था, तो 20-25% रिकवर हो गया, तो 20% का अभी भी फर्क है, जो कि आई थिंक एक महीना लगेगा पूरा होने में, तो 20-25% का अभी भी फर्क है। थोड़ी यहाँ पर दिक्कत जो आ रही है, देखने को जो मिली है तमाम रेस्टोरेंट मालिकों से बात करके, वो ये है कि पीछे जिस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा सरकार दे रही है, लेकिन उस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो पीछे की तकनीक है, वहाँ थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिस वजह से पेमेंट लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी बिजनेस में गिरावट है, कारोबार उतना नहीं सुधरा है जितना सुधरना चाहिए था। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।